गोंडा नवागत पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे ने जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार का किया ग्रहण। आपको हम बता दें, गोंडा नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया। कुर्सी संभालते ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों में मीडिया से प्रेस वार्ता की। बरेली में स्थानांतरित होकर आए पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। पत्रकार से वार्ता करते हुए बताया कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और पीड़ित को न्याय मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हामिद अली। तो देखिए, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो वही हैं जो वर्तमान में सरकार और शासन की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करना, पुलिस का लोगों के प्रति बेहतर व्यवहार, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, महिलाओं, बच्चों और जो वीकर सेक्शंस हैं उनके प्रोटेक्शन तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पे प्रभावी कमी, और जो इस तरह के अपराध कार्य करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा स्पीडी ट्रायल के थ्रू दिलवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाना, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, डायल 100 की जो हमारी व्यवस्था है उसको भी और प्रभावी बनाना, बेहतर जनसंवाद, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों से अच्छा संपर्क और उसके थ्रू समस्याओं का निस्तारण, अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था बनाना, ये हमारी प्राथमिकताएं। हर जगह की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, आज मैंने यहां पर अपना पदभार ग्रहण किया है। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि उसको थॉरली स्टडी करें और जो भी प्लेस स्पेसिफिक भी जो इशू होंगे उनको भी हम एड्रेस करेंगे। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि पुलिस की व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का पूरा प्रयास होगा। और निश्चित तौर पर मैं